साथियों नमस्कार। काजू भुने प्लेट में विस्की गिलास में उतरा रामराज विधायक के निवास में। पक्के समाजवादी हैं, तस्कर हो या डकैत, इतना असर है खादी के उजले लिबास में। आजादी का यह जश्न मनाए वो किस तरह जो आ गए हैं फुटपाथ पर घर की तलाश में। पैसे से आप चाहें तो सरकार गिरा दें, संसद बदल गई है यहां के नखास में। जनता के पास एक ही चारा है बगावत, ये बात कह रहा हूं मैं होशो हवास में। अदम गुडवी की पंक्तियों के साथ आज मन करता हूं उन वीर शहीदों को जिन्होंने भारत की आजादी में अपने प्राणों की आहुति दे दी, और उन सभी देशवासियों को शुभकामनाएं और बधाइयां देना चाहता हूं जो अपने देश की प्रगति के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। हमारे लिए आज ये स्वतंत्रता दिवस नहीं है, उन बेरोजगारों के लिए आज ये स्वतंत्रता दिवस नहीं है जो इंतजार कर रहे हैं पिछले कई वर्षों से एक रोजगार का। घर के चूल्हे इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरीके से रोजगार मिल जाए और उन गरीब बच्चों को, उन गरीब खानदान को कुछ जीने की आस मिल जाए। साथियों, खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में ये बड़ी समस्या है कि हम परेशान हैं किसके लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, क्योंकि हमारे पास न तो पर्याप्त मात्रा में खेती के लिए खेत हैं, किसानी के लिए खेत हैं, और ना ही पर्याप्त मात्रा में बिजनेस के लिए पैसे हैं। ऐसी समस्या में हम सब परेशान हैं, हम सब परेशान हैं। तो साथियों, आज का जो एपिसोड है वो एक महत्वपूर्ण सूचना को लेकर आया है। साथ ही आज आपके साथ 15 अगस्त की बधाई भी देने के लिए उपस्थित हुआ हूं। तो आज की महत्वपूर्ण खबर, आप सब जानते हैं कि आज अगस्त है और 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ था। इसके विषय में कुछ और बताने की आवश्यकता नहीं, सभी विद्वान हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर हमने आपसे कहा था कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंचे कि ये कितने दिनों से भर्तियां हमारी लंबित पड़ी हैं शिक्षकों के लिए और इसमें कोई भी काम नहीं किया जा रहा है और इसके लिए मैं प्रयास करूंगा, मैंने आपसे वादा किया था। तो जो भी इसमें छात्रों के प्रतिनिधि हैं उनसे हम लोगों ने संपर्क किया था और भी छात्रों से उनके ऊपर इस बात के लिए जवाबदेही बनवाई कि हम उन तक अपनी बात को पहुंचाएं। तो उत्तर प्रदेश के मंत्री रहे, उनसे हमने ये बात पहुंचवाई है, उस खबर को यहां पर अभी लेंगे। उसके पहले बता दें कि आज 15 अगस्त के दिवस पर टीचर्स एकेडमी परिवार ने निर्णय लिया कि सभी कोर्सेस पर 78% की छूट आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। कोई भी कोर्स हो सभी कोर्स पर 78% की छूट आपके लिए यहां पर प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है। हेलो, अच्छा, तो एक बार आवाज आप लोग क्लियर कर दीजिए। मैं आपसे कह रहा था कि आवाज थोड़ा सा आप लोग क्लियर कर देंगे। चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि सभी कोर्सेज पर 78% की छूट दी जा रही है, 78% की छूट दी जा रही है, और हमने एक नया बैच भी शुरू किया है जिस बैच का नाम है स्वतंत्रता बैच। स्वतंत्रता बैच जो है वो सभी कोर्सेज के लिए है और इस बैच में आपको 8% की छूट दी जा रही है। और इस छूट का लाभ लेने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं, हमारा नंबर है 9628-95-92-37। तो ये हमारा नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप करके हमसे सीधा। और स्वतंत्रता बैच आज से ही शुरू हो रहा है, यानी 15 अगस्त 2024 से ये नया बैच आज शुरू कर रहे हैं हम लोग। तो आप आइए इस बैच से जुड़िए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण खबर क्या है, उस महत्वपूर्ण खबर की तरफ आपको लेके चलते हैं। तो महत्वपूर्ण खबर आज की यह है साथियों, महत्वपूर्ण खबर में क्या महत्वपूर्ण है देख लेते हैं।
यहां पर कुछ शिक्षक भर्तियां हैं, इनको लेकर बड़ा बवाल मचा है और वो भर्तियां बहुत दिन से पेंडिंग है। और इसको लेकर मैंने आपसे वादा किया था किसी भी तरीके से ये बात मैं मुख्यमंत्री जी तक पहुंचवाऊंगा। सीएम तक पहुंचा लंबित शिक्षक भर्ती का मामला, विभिन्न कारणों से अटकी शिक्षक भर्ती का मामला मुख्यमंत्री तक पहुंच गया है। पूर्व मंत्री एवं शहर पश्चिमी के विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह ने युवा बातों को सुनते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर प्रतियोगी छात्रों का पक्ष रखा है। सोशल मीडिया पर यह सूचना प्रसारित होने के बाद छात्रों को भरोसा है कि लंबित भर्तियां जल्दी शुरू हो सकेंगी। कुछ दिनों पहले प्रतियोगी छात्र मोर्चा के नेतृत्व में प्रतियोगियों ने सिद्धार्थनाथ सिंह को ज्ञापन देकर लंबित भर्ती परीक्षाओं का मुद्दा उठाया था। पूर्व मंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया था कि वह लखनऊ जा रहे हैं और वहां मुख्यमंत्री से मिलकर छात्रों की ओर से दिया गया ज्ञापन मुख्यमंत्री को सौंपेंगे। दी है प्रतियोगी छात्रों ने ज्ञापन के माध्यम से कहा था कि शिक्षा सेवा चयन आयोग में स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति न होने के कारण अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर 2 साल से शिक्षक भर्ती लंबित पड़ी है। वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रवक्ता जीआईसी का अधियाचन मिलने के बावजूद समकक्ष अर्हता स्पष्ट न होने से भर्ती अटकी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को खंड शिक्षा अधिकारी के पदों का भी अधियाचन मिल चुका है, लेकिन इस मामले में भी समकक्ष अर्हता स्पष्ट न होने से भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हो पा रहा है। वहीं एल्टीग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए द्विस्तरीय परीक्षा का प्रस्ताव शासन स्तर पर लंबित है। ऐसे में अधियाचन मिलने के बावजूद भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हो पा रहा है। अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री तक मामला पहुंच जाने के बाद जल्दी ही राहत मिलेगी। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर है और इसके बाद निश्चित तौर पर हमारी बातों को, हमारी मांगों को सुना जाएगा। तो साथियों, 15 अगस्त मनाइए और खूब पढ़िए। नया बैच, स्वतंत्रता बैच जो हम लोगों ने शुरू किया है, उसे आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी।